नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनम जीएनएम भर्ती 2018 की ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन, जिला आवंटन, कोर्ट केस, इसके अलावा संविदा कर्मचारी की ज्वाइनिंग डेट 29 अप्रैल 2020 करने की यहां पर संपूर्ण जानकारी। और दोस्तों, मैं ये बता दूं, ये जो जानकारी है वो राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति द्वारा प्रोवाइड की गई है। जी हाँ दोस्तों, जिला आवंटन, ऑनलाइन चॉइस और नियुक्ति हेतु जो 29 अप्रैल 2020 जो करने की मांग है, ज्वाइनिंग डेट, उसमें कोर्ट केस इस वगैरह की पूरी यहां पर संपूर्ण जानकारी के साथ यहां पर चर्चा करेंगे। तो जानते हैं दोस्तों पूरा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सूचना विशेष है नर्सेज संघर्ष समिति 2018, नर्सेज भर्ती 2018 की महत्वपूर्ण जानकारी। पहली जो है, परीक्षा काल की तिथि 29 अप्रैल से करने की मांग संघर्ष समिति द्वारा पिछले कई महीनों से की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार व शिक्षा विभाग इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जबकि नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकार एवं विभागीय अधिकारियों के बीच मौखिक वार्ता हुई थी और समस्त कर्मियों की नियुक्ति तिथि 29 अप्रैल मानी जाएगी। साथियों, आप सभी भलीभांति जानते हैं कि अगर नियुक्ति तिथि 29 अप्रैल नहीं मानी जाती है तो संपूर्ण सर्विस रिकॉर्ड में भारी नुकसान हो सकता है। 12,000 कर्मियों में बहुत कम कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तिथि शायद ही 29 अप्रैल से होगी। तो दोस्तों, ये जो सारे जो कर्मचारी हैं जिनकी तिथि 29 अप्रैल से करने की मांग है, वो सारे के सारे संविदा कर्मचारी यहाँ पर हैं, क्योंकि इनको जो 28 अप्रैल 2020 को जो आदेश जारी हुआ था उसमें इनको रिलीव करने से साफ साफ मना कर दिया था, और बाद में इनको रिलीव करके नए जो नियमित भर्ती है उस पर यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाया था। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो प्रमुख समस्या है कि अक्टूबर माह में भर्ती की संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है। जैसा कि चिकित्सा विभाग के अनुसार समस्त कर्मियों का जो नियुक्ति स्थान है वो अस्थायी बताया गया तथा मूल नियुक्ति स्थान के लिए चॉइस ऑप्शन भरवाए गए। जहाँ दोस्तों, अक्टूबर में 23 और 24 और 25 अक्टूबर, इसके अलावा 29-30 यहाँ पर अक्टूबर को चॉइस ऑप्शन भरवाए गए थे, जिसमें संदर्भ में आप तक जानकारी है कि एक बार ऑप्शन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं तथा पुनः ब्लॉक लेवल तक के ऑप्शन फॉर्म लिए जाएंगे, लेकिन लगभग 2 माह की अवधि का समय समाप्त हो चुका है, अभी तक किसी भी औपचारिकता नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, इसके विपरीत गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में कुछ दिन पूर्व विभागीय मीटिंग हुई, जिसमें निर्धारित हुआ कि हाल में ऑप्शन फॉर्म भरवाने की कोई सरकार की मंशा नहीं है, कोई मंशा राज्य सरकार विभाग के अधिकारियों की नहीं है। महीनों तक उम्मीद लगाए हजारों नर्सेज के साथ यहाँ पर धोखा किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में समिति के मुख्य सदस्यों से बातचीत हुई और निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः चेतना अभियान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एवं पूर्व की भांति सोशल मीडिया अभियान, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य चलाएंगे, और प्रदेश भर के संपूर्ण जिलों में तैनात साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त दोनों मांगों को लेकर समिति के मांग पत्र को संबंधित जिले के जनप्रतिनिधि को दे, जिसके माध्यम से जानकारी मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाने का यहाँ पर कार्य किया जाएगा। साथियों, जिस तरह भर्ती पूर्ण करवाने के लिए हम सब मिलकर अभियान चलाया था, एक बार पुनः जरूरत है कि इसको पूर्व की भांति एक बार मेहनत यहाँ पर करनी होगी। विशेष यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, संघर्ष समिति सदस्य जल्द ही जयपुर में करेंगे मुलाकात, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री एवं मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव से करेंगे मुलाकात। अति विशेष, कोई भी अगर साथी जो अपने स्तर से मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री जी से मुलाकात कर समिति की बात पहुंचा सके एवं पूर्ण करवाने में योगदान कर सके, वह तुरंत संघर्ष समिति से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर टीम के प्रमुख साथियों ने न्यायालय की भी तैयारी यहाँ पर पूर्णतः कर ली है, जरूरत पड़ने पर न्यायालय की यहाँ पर शरण ली जाएगी। लेकिन इससे पूर्व समय है अपनी ताकत और एकता दिखाने का। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है, हम मैदान में आ चुके हैं, आप भी आइए। तो दोस्तों, जो निवेदक है वो समस्त संघर्ष समिति सदस्य हैं। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति की ये न्यूज प्रोवाइड की करवाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनम जेनम भर्ती 2018 ऑनलाइन जिला ऑप्शन, जिला आवंटन, कोर्ट केस, ज्वाइनिंग डेट 29 अप्रैल करने की मांग को लेकर यहां पर संघर्ष समिति वापस से एक्टिव हो रही है, और जो इनकी जो प्रमुख मांग है कि जो
जो संविदा कर्मचारी हैं उनका प्रवीक्षा काल 29 अप्रैल से करवाया जाए और 29 अप्रैल 2020 से इनकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाए। इसके अलावा जो ऑनलाइन जिला ऑप्शन भरवाया था, पूर्ण यहाँ पर ब्लॉक तक के ऑप्शन भरवाए जाने थे, लेकिन 2 महीने का यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन किसी भी तरीके के यहाँ पर औपचारिकताएं नहीं की जा रही है। विभाग और अधिकारी इसके प्रति बिल्कुल भी यहाँ पर गंभीर नहीं है, तो यहाँ पर संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार पुनः अभियान चलाने की यहाँ पर तैयारी कर ली है। और वापस से जब तक कि यहाँ पर जो है इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आसानी से प्रमुख मांगों में एनम जेरम भर्ती 2018 में प्रमुख जो मांगे हैं कि जो संविदा कर्मचारी की जो ज्वाइनिंग डेट है 29 अप्रैल से मानी जाए। इसके अलावा ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन भरवा कर इनका जो जिला आवंटन है वो यहाँ पर किया जाए, क्योंकि जो नियुक्ति आदेश जारी किए थे 28 अप्रैल और 5 अगस्त के जो नियुक्ति आदेश थे उसमें जो नियुक्ति स्थान बताया था वो पूर्णतः अस्थायी बताया था। तो इसको लेकर यहाँ पर इनका जो प्रमुख जो मांगे हैं कि ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन जो ब्लॉक तक के ऑप्शन आपने भरवाने के लिए बोला था दोबारा, तो एक तो वो रीओपन किया जाए। इसके अलावा जो जिला आवंटन है वो मेरिट के आधार पर किया जाए। ज्वाइनिंग डेट जो है संविदा कर्मचारी में 29 अप्रैल 2020 से मानी जाए और प्रवीक्षा काल भी 29 अप्रैल 2020 से मानकर इनको जो सीनियरिटी और संपूर्ण लाभ है वो यहाँ पर दिया जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।